press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, मेरा नाम अयूब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अयूब एडिट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आज कुछ इस तरह की फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडिट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो फ़ोटो थी वो पहले ये थी और एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है। और फ्रेंड्स, इस फोटोग्राफी का नाम ईफिल टावर फोटोग्राफी है और इस तरह की फ़ोटोग्राफी आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस वजह से मैं आपको इस फोटो का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स आप भी इस तरह की फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम बर्बाद करे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया। इस बैकग्राउंड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम जाएंगे यहां से इफेक्ट में, और इफेक्ट में जाने के बाद हम यहां पर एक इफेक्ट यूज़ करेंगे डॉट जर्व। इस इफेक्ट के फेड को हम कर देंगे हल्का लो इतना फ्रेंड्स, इसके प्लस करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इसके इफेक्ट को जो है हम कर देंगे प्लस 70 एंड यहाँ से कर देंगे उसके बाद इसको डन। अब फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो में इस बैकग्राउंड में जो है थोड़े कलर आ गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम जाएंगे ऐड फोटो में और अपने मॉडल को कर लेंगे इसमें हम ऐड। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम इस फोटो का एक मिनट के अंदर बैकग्राउंड रेज करेंगे, तो उसके लिए हम कटआउट पर जाएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड रेज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस फोटो को जो है बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं इसको करूँगा इस फोटो पर सेट। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा फ्रेंड एंड उसके बाद यहाँ रेजर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके हार्डनेस को मैं कर दूँगा लो एंड ओपेसिटी को भी मैं इसका हल्का कम करूँगा एंड साइज को मैं इसके इतना रखूँगा एंड उसके बाद मैं नीचे से इसको इस तरह से हल्का हल्का सा इरेज कर दूँगा इस तरह से फ्रेंड एंड उसके बाद कर दूँगा मैं यहाँ से इसको डन एंड उसके बाद कर देंगे फ्रेंड्स हम सिंपली यहाँ से इसको डन एंड फ्रेंड्स उसके बाद हम इसमें एक हेयर पीएनजी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम इसको इसमें जो ऐड कर लेते हैं, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हेयर पीएनजी को मैं यहाँ अपने हेयर पर रखूँगा, तो मैं इसको बहुत अच्छे से इस पर सेट कर दूँगा एंड यहाँ इरेजर पर क्लिक करूँगा और इसको हल्का हल्का इस तरह से इरेज कर दूँगा। एंड यहाँ से कर दूँगा इसको डन एंड उसके बाद मैं यहाँ एडजस्ट में जाऊँगा एंड इसकी ब्राइटनेस को मैं हल्का प्लस करूँगा एंड इसकी कॉन्ट्रास्ट को जो है मैं हल्का माइनस कर दूँगा इतना फ्रेंड एंड उसके बाद कर दूंगा मैं यहाँ से इसको डन एंड उसके बाद सिंपली ऐसा कर देंगे इसको डन एंड फ्रेंड्स उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक टेक्स्ट। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट में जाएंगे सिंपली एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे EFFILE EFFIL TOWER
एंड यहाँ से कर देंगे इसको डन। एंड उसके बाद फ्रेंड्स हम इसके यहाँ कलर में जाएंगे एंड कलर में जाने के बाद हम इसको यहाँ आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ग्रेडिएंट, हम इस पर जो है सेलेक्ट कर देंगे इसको और इसको यहाँ हम जो ऊपर रखेंगे। एंड इसके फेड को हम थोड़ा देख लेते हैं, तो इसको हम इस जगह पर सेट करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे सिंपली इसको डन। एंड वापस से टेक्स्ट में जाएंगे और मैं यहाँ अपनी फ़ोटोग्राफी का जो है इसमें लोगो लगा देता हूँ, तो आप जो लोगो आपकी फ़ोटोग्राफी का आप वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा छोटा करके रहेंगे इस अपने लोगो को। मैंने कई बार देखा फ्रेंड्स आप जो फ़ोटोग्राफी करते हैं आपका जो लोगो होता है उसको बहुत सारे लोग कहीं भी लगा देते हैं और कोई बहुत बड़े साइज़ में लगा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा लाएंगे और मैं इसको जो है इस जगह पर रखूँगा एंड इसकी ऑपोसिटी को मैं जो है हल्का माइनस कर दूँगा इतना फ्रेंड्स, एंड सिंपली यहाँ से कर दूँगा इसको डन। एंड उसके बाद कर देंगे फ्रेंड्स हम अपनी फ़ोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर सेव, तो उसके लिए हम ड्रॉ में जाएंगे और यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करके फ़ोटो कर देंगे सेव। एंड फ्रेंड्स उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े कलर, तो उसके लिए हम लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, तो जल्दी से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को जो है ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मैं अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया हूँ। एंड फ्रेंड्स आज मैं कलर के लिए आपको बहुत शॉर्ट मेथड बताऊँगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको कलर इस फोटो में कलर डालने के लिए, तो मैं सिंपली सिर्फ एक प्रीसेट पर यूज़ करूँगा और सिर्फ 5 या 10 सेकंड मुश्किल से लेंगे हमको इस फोटो में जो है सारे कलर एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रीसेट कौन सा है और उसको कैसे यूजिंग मेथड, तो आपको पता ही है हर बार की तरह यूजिंग मेथड एक ही रहता है प्रीसेट का, तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ वो प्रीसेट कौन सा है। तो हमारा प्रीसेट जो है फ्रेंड्स वो ये है और इसका नेम मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रीसेट का नेम है आफ्टर मून लाइट DNG। तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसको जो है हम वापस एडिट मोड में ले लेते हैं और थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद कॉपी सेटिंग कर लेते हैं एंड सिंपली अपनी फ़ोटो को जो है इसमें कर लेते हैं ओपन एंड यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं और थोड़ा नीचे जाते हैं एंड यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है पेस्ट सेटिंग, इस पर हम जो है क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फ़ोटो में जो है एकदम से सारे कलर आ गए हैं और मुश्किल से 5 या 10 सेकंड हमको इसमें लगे फ़ोटो में कलर एडजस्ट करने के लिए। इसको हम पहले कर लेते हैं सेव टू डिवाइस, एंड यहाँ से पहले इसको रेज सेटिंग कर देते हैं एंड इस पर हम मैं दूसरा प्रीसेट्स आपको एक यूज़ करके और दिखा देता हूँ, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसका इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ऑल नेचर DNG प्रीसेट्स, तो इसको हम वापस से एडिट मोड में ले लेते हैं और यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं एंड कॉपी सेटिंग और वापस से अपनी फ़ोटो ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं और इसको भी जो है हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है हमारे थोड़ा पर्पल कलर का जो इफेक्ट आ रहा है वो भी आ गया और फोटो जो है पूरी रीटचिंग हो गई है, सिर्फ 5 या 10 मिनट में हमने पूरे अपनी फ़ोटो में कलर डाल दिए, 5 या 10 सेकंड में, सॉरी फ्रेंड्स मिनट नहीं सेकंड्स थोड़ी उसके लिए गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और जाते जाते मेरे चैनल आयुब एडिट्स को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्दी।